जुल्मों का सिकंदा तोड़ के हम हक छीन के अपना मानेंगे, नफरत से भरी इस दुनिया के नक्शे को बदल कर मानेंगे। पैरों से तो मंजिल दूर सही, आँखों से मंजिल दूर नहीं, ये बात जमाना याद रखे। मजदूर हैं हम मजबूर नहीं, ये भूख गरीबी और बदहाली हमको है मंजूर नहीं। अंधेरा बनकर जीने से तो क्या फ़ायदा, उजाला बनकर जियो तो कोई बात बने। अकेले अकेले लड़ने से तो नहीं मिलेगी मंजिल, साथ साथ चलो तो कोई बात नहीं। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। आज हम हैं ITO पर, जहां बड़े पैमाने पर फार्मर्स मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी के लिए प्रोटेस्ट बुलाया गया। इस प्रोटेस्ट को ट्रेड यूनियंस, जो 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आयोजित किया। उसके साथ साथ लॉयर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन का बड़ा समर्थन इस प्रोटेस्ट को मिला है। और यहाँ पर मौजूद लोग बस यही बताना चाह रहे हैं कि फार्मर्स के साथ वो खड़े हैं। और ये आंदोलन सिर्फ किसानों की मांगों तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश भर में जितनी भी नीतियां हैं जो कॉर्पोरेट्स के निजीकरण और हमारे रिसोर्सेज के निजीकरण के लिए आ रही हैं, उनके खिलाफ है ये आंदोलन। और यहाँ पर वो लोग किसानों के साथ भी खड़े हैं और उस हर तबके के साथ जुड़े हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। और ये आंदोलन दिल्ली तक ही नहीं, पंजाब तक ही नहीं, हरियाणा तक ही नहीं, पूरे देश भर में फैल रहा है। उसी के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। अभी जो सॉलिडारिटी इस आंदोलन को मिल रही है पूरे देश भर में, मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि तमाम जो मास ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नागरिक समाज इकट्ठा हुआ है और ये पूरे देश भर में हो रहा है। जो कॉरपोरेट का मुनाफा मन में रख के कॉरपोरेट से पहले बात करके ये कानून लाए और बोल रहे कि किसानों को सशक्त करने का है, लेकिन किसानों को भिखारी बनाने का है, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का है, इस देश की जनता को भूख से मरने का देना है ये कानून, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। जेडी मोदी सरकार है यह झूठ बोलती रज के, इन्होंने जिद्दण तो गद्दी पर बैठी है, इन्होंने जेड़े लोगों नु जुमले दसे थे असी काला धन वापस करांगे, असी जे करांगे, वो सारे झूठ साबित होए। ये बोलती थी असी प्राइवेट नहीं, कुछ भी प्राइवेट नहीं करांगे, इन्होंने एयर इंडिया प्राइवेट कर दी, इन्होंने साडे जेड़े रेलवे है वो प्राइवेट कर दिते, साडा पब्लिक सैक्टर जेड़ा सारा प्राइवेट करन तुरन जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को बेनती करते हैं, देश को मत तोड़िए, देश को मत बर्बाद करिए, एक दो आदमी के लिए आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जिथे असी मोदी सरकार नू दोषी मानते हैं काले कानून नू लियाउण वास्ते, उदू बड़े दोषी जिहड़े साडे पंजाब दे विच गद्दार बैठे आ, जिहड़े साडे बुक्कल दे सप्प ने, उन्हां नू भी दसना चाहुंदे आ कि जिन्हां ने इन्हां ने बिलां दे उपर साइन करन वेले किसी नू नहीं पुछिया, किसी नू नहीं समझिया। जदों इलैक्शन हुंदा ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੀਸ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, they are anti people also. And if agriculture goes, then everything goes, because food goes, food security goes, our PDS system goes, where do you get where are we able to buy affordable food grain, you know, if not through the ration shops. So this affects all of us. Sarkar jo hai andolan ko badnaam karne ki, vibhajit karne ki, todne ki jitni bhi koshishein kare, ye andolan ab na bikharne wala hai na tootne wala hai। और किसान जो आए हैं यहाँ पर दिल्ली के दरवाजे पर जो बैठे हैं, वो ये संकल्प लेकर के आए हैं कि बिना इन तीन काले कानूनों को वापस कराए किसान अब लौटेगा नहीं। क्या इन्होंने खालिस्तानी कहा, इन्होंने उनको आतंकी कहा, इन्होंने कहा ये देश के लिए नहीं है, सब कुछ इन्होंने कहा, लेकिन वो फर्मली डटे रहे। डिसेंट हैज बिकम क्रिमिनलाइज्ड
I mean, when has it ever happened? We fought against the UPA policies also. We were not put in jail for voicing our dissent. We fought for years. And but now the new thing is that you can't open your mouth. You're branded an anti-national or a criminal and you're put behind bars on false charges. So everybody is affected by this and we are all standing together with the farmers. किसानों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, एक एक बॉर्डर पर रोज के रोज जो है किसान बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल से जो है राजस्थान वाला जो जयपुर वाला रोड है उस पर भी राजमार्ग पर लोग बैठ गए हैं, या यूपी के अंदर आप देखें कि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ बाजना में जो है किसानों का कंटिन्यू जो है जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर धरना चल रहा है। आपका जो ये मानेसर से आगे ये जो बाहर बाहर से हरियाणा के लिए जो है जो हाईवे बना है उस पर किसानों का धरना चल रहा है। इधर बागपत रोड पर किसान जो है जुट रहे हैं, तो धीरे धीरे जो यूपी वाले बॉर्डर हैं ये भी जो है धीरे धीरे सब बंद होंगे, सब जाम होंगे, और किसान बिना जो है इस बार इन कानूनों को वापस कराए दिल्ली से जाने वाला नहीं है, और देश की जनता जो है किसानों के साथ खड़ी है। ग्राउंड से जी लड़ाई है ये आम लोगों की बन चुकी है, किसे एक कल्ले किसान दी नहीं। We'll be right back.